दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने महज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों के भीतर दोहरी शतक की पारी खेल डाली, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी 248 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो दिया, तो वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुमन गिल ने भी काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच काफी खतरनाक विस्फोटक दूसरा टी20 का मुकाबला खेला गया। पहला टी20 का मुकाबला बांग्लादेश की टीम हारी थी और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी, और यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे और मैदान पर काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा टी20 का मुकाबला लाइव आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में शानदार तरीके से 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुमन गिल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। शुमन गिल भी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। शुमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और शुमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक दिए, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुमन गिल आउट हुए। जी हां, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। शुमन गिल जैसे ही आउट हुए यहां पर महज 31 रन ठोक करके, तो यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे, तो वही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें मैदान पर कहर बरसा रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो यहां पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते मैदान पर कोहराम मचा दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, विकेट कीपर ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों का करें तो करें कैसे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही घातक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए। जी हां, सूर्य कुमार यादव वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने 10वें ओवर से लेकर के 20वें ओवर तक जाते आते यहां पर 200 नहीं बल्कि 348 रन ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का करियर ही खत्म कर दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे
चुके थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 12वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया, तो वहीं 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या ने अपने हाथों में रखी और हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 28 रन ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के 2 चौके फिट ठोक दिए। काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के घातक से घातक खूंखार विस्फोटक गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर यहां पर सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। सूर्य कुमार यादव के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या, यहां पर 14वें ओवर की पहली बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे और 62 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या आउट हुए। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 14वें ओवर की बची 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन 6 छक्के यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह ने यहाँ पर युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करने तो करें कैसे। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिए, तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य और रिंकू दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 20वें ओवर तक जाते आते दोहरी और तिहरी शतक की पारी खेल डाली। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर बिखरते हुए नजर आए। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी जीत की उम्मीद से होते ही तो कुलदीप यादव पहला ओवर लेकर के गए और कुलदीप यादव ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से सिर्फ 2 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज, जहां पर उन्होंने 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई, जहां पर उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके देकर के चले आए। चौथा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर 1 विकेट चटका दिया और सिर्फ 4 रन दिए। पांचवा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में 1 शानदार विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। धीरे धीरे 8वें ओवर तक जाते जाते बांग्लादेश के 4 विकेट चले गए। बांग्लादेश की टीम के ऊपर काफी अच्छा दबाव बना हुआ था और बांग्लादेश के खिलाड़ी और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान थे। रवि बिश्नोई के 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और यहां पर जसप्रीत बुमराह के 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह के 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। लेकिन फिर भारतीय टीम जब हार की कगार की ओर बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक पल में बांग्लादेश
देश की टीम पहला और हारी है टी20 का मुकाबला, दूसरा टी20 का मुकाबला तो जीती लेगी। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी से कमाल कर दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें और 19वें ओवर की 6 गेंदों पर आप सभी को बता दें 3-3 और 2-2 विकेट चटका दिए। क्योंकि 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए और 19वें ओवर में यहां पर मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए, जहां पर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में 19वें ओवर तक जाकर ढेर कर दिया और भारतीय टीम ने दूसरा टी20 का मुकाबला भी जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।